कौन है वो पुलिस ऑफिसर जिसने राजा भैया की पत्नी को फोन पर दी धमकी? रानी के एक ऐलान से महल में हलचल, कुंडा की जनता के बीच भारी कंफ्यूजन। क्या राजा के घर में हो गई राहुल की एंट्री? एक ट्वीट से खड़े हुए कई सवाल। राजा भैया के घर में इन दिनों क्या चल रहा है? पहले पिता उदय प्रताप को यूपी पुलिस हाउस अरेस्ट करती है, उसके बाद पत्नी भानवी खुद कहती है कि एक पुलिस ऑफिसर मुझे फोन कर धमकी दे रहा है। भानवी को कुंडा की जनता रानी मानती है, फिर रानी को धमकी देने की हिमाकत किस पुलिस वाले ने की? जब हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस मामले के तार तो दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। फरवरी 2023 में दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा विंग में राजा भैया की पत्नी ने अपने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी पर भानवी के फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी की मेजोरिटी हथियाने के आरोप लगे। उससे पहले भानवी ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में भी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी, पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसकी जानकारी भी उन्होंने खुद ही दी थी। उसके बाद भानवी के खिलाफ भी लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ, यानी यूपी से दिल्ली तक मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है। फिर केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भानवी को धमकी दी। ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, हो सकता है ये मामला भी अदालत तक पहुँचे और ऐसे ऑफिसर का नाम उजागर हो। फिलहाल भानवी एक रानी की तरह नहीं बल्कि सियासत की महारानी की तरह ही जिंदगी जीना चाहती हैं। इसीलिए सबसे पहले 15 जुलाई को वो ट्वीट कर लिखती हैं, नारी हूँ मैं लड़ सकती हूँ, बिना रुके मैं चल सकती हूँ, छत्राणी हूँ रण से क्यों भागू, लड़कर जीतूं या मर सकती हूँ। भानवी कुमारी सिंह भद्री रियासत। जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भद्री रियासत की महारानी लगता है प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से प्रभावित है और जल्द ही सियासत में आ सकती है। ये चर्चा इधर जनता के बीच चल ही रही थी, तभी भानवी ने 17 जुलाई को एक नया ट्वीट कर इन चर्चाओं को और हवा दे दी। उन्होंने लिखा, कभी कभी सोचती हूँ जब रियासत राजघरानों से संबंधित महिलाओं को अपने सम्मान गरिमा की रक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, सरकार से याचना करनी पड़ती है और एक आईओ भी किसी की शह पर धमकी भरी भाषा में बात कर सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगी लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का भी संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरूंगी, उचित समय का इंतजार कीजिए। जिसका सीधा इशारा ये था कि वो सियासत में आ सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नारी हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली भानवी कांग्रेस का हाथ थामेंगी या फिर किसी और पार्टी के साथ जाने का मन बना रही है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट बीजेपी से छिन गई, सपा प्रत्याशी एसपी सिंह ने यहां से जीत हासिल की। राजा भैया का झुकाव दिनों दिन अखिलेश की तरफ नजर आ रहा है, ऐसे में भानवी के सपा में जाने की संभावना तो नहीं दिखती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने राज में राजा भैया को जेल में डाला था और अब भानवी भी अपने पति से न्याय चाहती हैं, तो क्या राजा पर दोबारा शिकंजा कसवाने के लिए वो मायावती के पास जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। कुंडा की जनता के दिमाग में ऐसे कई सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब भानवी से बेहतर कोई नहीं जानता। राजा रानी के इस खेल में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।